जब सपने देखेंगे हजार मुसीबतें आएंगी, एक दिन वो हसीन मंजर भी आएगा जब सफलता शोर मचाएगी। नमस्कार, आज हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। गैल्वेनोमीटर एक्चुअली एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है, ऐसा पहले भी आपको बताया जा चुका है, और ये स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। तो एज सच हम मान लिए कि वो करंट जो डिटेक्ट कर रहा है 10 मिली एम्पियर के आसपास डिटेक्ट कर रहा है, जैसा गैल्वेनोमीटर को सिम्बोलिक फॉर्म में मैंने यहाँ दिखाया है। और इस गैल्वेनोमीटर का जो क्वायल है उसका सर्टेन रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को आप 10 ओम मान लीजिए। ओके, ऐसे केस में इस दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो आपको यहाँ पर 10 × 10⁻³ × 10 मीन्स 0.1 वोल्ट के आसपास, जो पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से काफ़ी स्मॉल वोल्टेज माना जाएगा। इवन आप इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा करके 100 ओम भी कर दें तो यहाँ पर आप देख लें कि 100 करने के बाद भी ये 1 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अब इससे ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उस कॉइल का रेजिस्टेंस है जो हमने गैल्वेनोमीटर बनाने के समय रैप किया था सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर। ओके, खैर अब देखिए, अब इसको हमको वोल्टमीटर बनाना है, 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट इससे मेजर करना है, कभी कभी उससे ज़्यादा का भी क्वेश्चन आएगा, तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि गैल्वेनोमीटर को एज इट इज रहने दिया जाए और इसके साथ एक हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दें। ओके, पैरेलल में जोड़ने पे तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एज इट इज पहले जैसा था वैसे ही रह जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस में वहाँ कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया जाए। अच्छा, सीरीज में जो करंट यहाँ से जा रहा है वही करंट यहाँ भी जाएगा, और इस करंट को हम लोग गैल्वेनोमीटर करंट IG माने थे। ओके, तो ये जो डिवाइस हमारा बन करके तैयार होगा, इस पूरे डिवाइस को हम एक नया नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तो वोल्टमीटर, ये वोल्ट मेजर करने का काम करेगा। अब ये दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप भी मान लें, ओके, तो इज इक्वल टू इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, चलिए मैं जनरली RG मानता हूँ, तो आपके पास IG × RG प्लस RV आएगा, क्योंकि वो सीरीज में है। ओके, तो इसके हिसाब से ये आपको रिलेशन आ गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, RG प्लस R को V/IG लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ से आप अगर RG हटाएं तो यहाँ पर -RG हो जाएगा। ये R जो है, बेसिकली ये R आपको जो मिला ये है हाई रेजिस्टेंस जिसकी बात कर रहे थे, विच इज रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इंटू ए वोल्टमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। यहाँ पर डिजायर्ड रेंज बोलने का मतलब क्या है कि आप जितना चाहते हैं उसके अनुसार R चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन देख करके समझें कि यहाँ पर है क्या। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1 में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रेंज वोल्टमीटर का 3 वोल्ट बोला है, आपके पास IG इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर बोला है, एंड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को 60 ओम बोला है। वैसे केस में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें जिससे वो 3 वोल्ट तक मेजर करें, पहले मैं बता रहा था कि काफ़ी स्मॉल इसका रेंज होता है, तो वैसे केस में आप एक काम कीजिए, R इज इक्वल टू जो भी है, भी आपको 3 / IG आपको 10 × 10⁻³, एंड यहाँ पर -60, तो इसके हिसाब से ये आपको हो गया 3 × ओके, ये 300 हो जाएगा ऊपर जा करके, और -60 मीन्स ये रिजल्ट आपको आ जाएगा 240 ओम। ये हाई रेजिस्टेंस 240 ओम का जब जोड़ेंगे तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर टू में आपको देखिए रेंज और भी ज़्यादा बढ़ाने बोल रहा है, 120 वोल्ट, IG का वैल्यू चेंज किया है, 25 मिली एम्पियर है, और इस बार गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद से भी करके देख लीजिए। एक्चुअली आप जब
इसको सॉल्व करेंगे तो आपको भी समझ में ज़्यादा आएगा। इस हिसाब से वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पर 120, यहाँ पर 25 मिली है, इंटू 10^-3 हो गया, एंड आर जी 10 है, ये माइनस कैलकुलेशन किए 4800-10, ये आ जाएगा 4790 ओम। तो दोनों ही केस में देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जैसे ही रेंज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाना पड़ रहा है। एक और बात है कि रेंज अगर बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक बात याद रखेंगे, रेंज ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। थोड़ी देर बाद उस पॉइंट पे आएंगे। कुछ और भी बातें इसके बारे में कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके ये के लिए। जैसे कि अगर हम पूरे वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को अब आर भी मान लें, ओके, हम पूरे वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को आर भी मान लें, तो आर भी इज इक्वल टू ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, मीन्स आर प्लस आर जी हो जाएगा। एक बात मालूम है आपको कि जो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस अब मिला वो सीरीज में आर जी और आर का कम्बिनेशन है, इसलिए बड़ा होगा आर से और ये बड़ा होगा आर जी से भी, ओके। पहले गैल्वेनोमीटर वाले केस में भी थोड़ा सा इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, उसमें कुछ उल्टा रिलेशन आया था। दूसरी बात कि अगर आपके पास एक वोल्ट मीटर है, एक मिली वोल्ट मीटर है, एक माइक्रो वोल्ट मीटर है, ओके, अब रेंज देखिए डिक्रीज होते जा रहा है, रेजिस्टेंस अगर वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर और माइक्रो वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो अभी बता रहे थे रेंज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पर रेंज घटते जा रहा है इसलिए रेजिस्टेंस आपका घटते जाएगा, और यहाँ पर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, ओके, सबसे ज़्यादा होगा, और माइक्रो एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, ओके, ये बात भी हो गई। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यहाँ पर रेंज जो है आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, कैन बी इंक्रीज्ड, एंड इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, जबकि एमीटर में आप इसको केवल इंक्रीज ही कर पा रहे थे, डिक्रीज नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसा क्यों? तो अब फर्दर, ओके, जब भी आप मान लीजिए कि सोचते हैं कि नहीं इसके अक्रॉस एक पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ने से तो वोल्ट में तो कोई चेंज होगा नहीं, ओके, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो होना है वो होगा। हाँ, सीरीज में रेजिस्टेंस अगर आप इसको बढ़ा देते हैं, ऑब्वियस है कि रेंज बढ़ जाएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस आप इसको घटा देते हैं तो रेंज डिक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पर रेंज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करने की पॉसिबिलिटी आपके पास इक्वली है, ओके। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट हम लोग देख लें कि अगर आपके पास आइडियल वोल्ट मीटर है तो, है ना, आइडियल वोल्ट मीटर के केस में क्या होगा? तो फोर्थ पॉइंट में अगर आइडियल वोल्ट मीटर के केस की बात करें तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, और हाई में भी कितना होना चाहिए, ये आपको इनफाइनाइट होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, ओके, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वोल्ट मीटर को आइडियल माना भी नहीं जाता। आपको एक बात बताई गई थी कि पोटेंशियोमीटर इससे बेटर पोटेंशियल और एक्यूरेट पोटेंशियल मेजर करके देता है, रीजन यहाँ पर ये भी है, ओके। अब रही बात इसके कनेक्शन की, तो जो वोल्ट मीटर आपका तैयार हुआ वो वोल्ट मीटर आपका ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट होता है, इसके पीछे भी रीजन है। मान लीजिए कि सर्किट आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ ऐसा है और इसको आपने जोड़ दिया है, ठीक है, इससे कोई करंट आपके पास जा रहा है 3 एम्पियर, ओके, ये 4 ओम का रेजिस्टर है तो 12 वोल्ट की बैटरी, ओके। अब हमको इस दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अगर हम डिवाइस को सीरीज में लगाएंगे यहाँ वोल्ट मीटर को, ओके, तो वैसे कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा, और दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में जब कनेक्टेड होगा तो अभी ऐसे कि पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज होना ही है, तो वैसे केस में हम इसको सीरीज में नहीं लगाएंगे, और भी रीजन है वो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर हम पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट करेंगे, यानी वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वैसे केस में क्या होगा कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है काफ़ी हाई है, इधर से जो करंट जो जाएगा वो नेग्लिजिबल जाएगा, बहुत स्मॉल जाएगा, ना के बराबर जाएगा,
लेकिन उसी स्मॉल करंट से हाई रेजिस्टेंस के कारण ये इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके आपको दे देगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस नियरली इक्वल टू 12 वोल्ट, ऐसे 12 वोल्ट एक्चुअली नहीं, थोड़ा सा उससे कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस टोटल में कुछ चेंजेस है। ओके, तो इस हिसाब से आप वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करके दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं।